शुभ बुधवार, आपका ये दिन आपके सपनों को साकार करने का समय हो। गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर के खास अवसरों को मनाएंगे, जिसमें विश्व एनेस्थीजिया दिवस, विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस पर खाद्य से जुड़ी सुरक्षा, बॉस डे, विश्व रीड दिवस, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, पवन कुमार जी और मैं आपको आज के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बताऊंगा, तो कृपया पूरा वीडियो देखें, इसे छोड़े नहीं। 16 अक्टूबर विश्व एनेस्थीजिया दिवस। आइए उन नायकों का आभार व्यक्त करें जो चिकित्सा प्रक्रियाओं के दौरान आराम सुनिश्चित करते हैं। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। आइए लोगों को खाना खिलाकर और भूख से मरने वालों को बचाकर इस दुनिया को और खूबसूरत बनाएं। उतना ही ले थाली में व्यर्थ न जाए नाली में, विश्व खाद्य दिवस आइए इस अवसर पर अन्न की बर्बादी न करने के लिए दृढ़ संकल्प लें। विश्व खाद्य दिवस पर खाद्य से जुड़ी सुरक्षा। एक, हर व्यक्ति को सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन उपलब्ध होना चाहिए। दो, खाद्य उत्पादों में हानिकारक तत्व नहीं होने चाहिए। तीन, खाद्य उत्पादन और तैयारी में स्वच्छता का पालन आवश्यक है। चार, हाथ धोना और साफ बर्तनों का उपयोग प्रमुख उपाय हैं। पांच, खाद्य प्रसंस्करण में तापमान और समय का ध्यान रखना चाहिए। 16 अक्टूबर बस डे पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हर बस सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें और सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहें। 16 अक्टूबर विश्व रीढ़ दिवस। इस दिन का उद्देश्य रीढ़ से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को रीढ़ की देखभाल के महत्व के बारे में जानकारी देना है। 16 अक्टूबर ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। 16 अक्टूबर 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में हमें गर्वित करने वाले पहलवान पवन कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुविचार, लोगों से अच्छा तो गूगल है लिखना शुरू करते ही दिल की बात जान लेता है। रोचक तथ्यों, सांस्कृतिक महत्व और व्यवहारिक चर्चा के लिए हमसे जुड़ें। अधिक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।